बच्चों, आज हम CBSE बोर्ड और जैक बोर्ड के क्लास 11 के इंटरमीडिएट के 11 के अर्थशास्त्र के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जिस पहला चैप्टर पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रोबेबल संभावित क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के हल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए, आपके लाभ के लिए हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि निःशुल्क लोगों को उसका लाभ मिल सके। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है परिचय, इंट्रोडक्शन है टॉपिक। क्वेश्चन है, पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एक किताब है। किताब क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ही उस किताब के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन से, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और उसका आंसर है एडम स्मिथ। आधुनिक, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एंड द आंसर इज एडम स्मिथ। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा किसने दी थी, हु गेव वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड इट इज गिवन बाय, इनमें से किसी ने नहीं दी थी, न जेबी से नहीं दी, न एडम स्मिथ ने दी, न सैमुअलसन ने, बड़ा ये, हाँ, तो इनमें से किसी ने नहीं दी। अगला क्वेश्चन है, किसने, निम्न में कौन आर्थिक गतिविधि है, आपको कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, उनमें से आपको पता करना है कि कौन कौन सी गतिविधि आर्थिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये है आपका उपभोग, ये भी आर्थिक गतिविधि है, दूसरा उत्पादन, ये भी आर्थिक गतिविधि है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आर्थिक गतिविधि है, सारी अति, ऑल द एबव। सांख्यिकी के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गॉटफ्राइड अकेनवॉल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के पिता। अगला है, सही कथन चुनना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है, सांख्यिकी संख्यात्मक तत्व का समूह है, स्टेटिस्टिक्स आर द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड स्टेटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड, और ये है स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स बना है। सांख्यिकी लागू है, स्टेटिस्टिक्स इम्प्लाइज, है ना, ये आपका डाटाज में लागू होता है और सांख्यिकी गतिविधियों में भी लागू होता है, दोनों में सांख्यिकी लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, ये किसने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैसिटी, हु सेड इट, तो रॉबिन्स ने कहा था, अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैसिटी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कॉसिटी, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसका कथन है, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, ये भी रॉबिन्स का कथन है, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, रॉबिन्स ने कहा था। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्शल द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसने कहा था, ये मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस भी है और कहीं कहीं कला भी है, आर्ट भी है। अगला, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है, विच नेम इज गिवन टू द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, विकास केंद्रित,
ग्रोथ सेंटर्ड इकोनॉमिक्स जो है वो विकास का विज्ञान है, ये आधुनिक परिभाषा है। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्याओं के समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है। टू अचीव द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मेन प्रॉब्लम इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स, ये सैमुएलसन का कथन है। सैमुएलसन ने कहा था टू अचीव द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मेन प्रॉब्लम इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स। अगला है व्हाट इज राइट, तो सीमित साधन आवश्यकताएं असीमित, वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड, ये आपका जो है सही कथन है। लास्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का संबंध किससे, स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू, हाँ मनुष्य नहीं है, राजनीति से नहीं है, प्रशासन से नहीं, आंकड़ों से है। सांख्यिकी का संबंध स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड विथ डाटा, आंकड़ों से। अगले वीडियो में हम फिर आपको अर्थशास्त्र के अगले चैप्टर आंकड़ों का संकलन कलेक्शन ऑफ डाटा को के हल लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर आप पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी शुभकामनाएं, आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। धन्यवाद।